नमस्कार। सिलवासा न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में दादरा नगर हवेली सिलवासा के भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष हार्दिक पुजारी द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रखा गया रक्तदान शिविर, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। इस उपलक्ष्य में विजया राहटकर, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी भी रही खास तौर पर उपस्थित। साथ ही BJYM अध्यक्ष अप्पू पटेल और युवा टीम खास तौर से दिखी एक्टिव मोड में। ज्ञात हो कि हार्दिक पुजारी और नितेश मोहिते की जोड़ी हरदम गांव समाज के लिए रहती है तत्पर। देखिए प्रभारी विजय राहटकर सहित अन्य युवाओं ने क्या कहा। न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिस तरह से तमाम हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जब उनका जन्मदिन रहा, यहाँ की जो युवा टीम है सिलवासा की, आज यहाँ पर जिस तरह से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, आइए जानते हैं यहाँ पर जिस तरह से विजय राजकर जी यहाँ पर आई है। बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से यहाँ का युवाओं का यहाँ पर एक अलग ही एक लक्ष्य देखने को मिला, युवाओं के प्रति तमाम जो लोग हैं जिनको कोई आज के जनरेशन में खून देना पसंद नहीं करता, और ऐसे में एक रक्तदान शिविर का जब आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, और ये जन्म दिवस हम सुशासन के दिन के रूप में हम मनाते हैं, और सेवा के रूप में भी हम मनाते हैं। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे युवा मोर्चा ने आज ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पे आयोजन किया है। हम देखते हैं कि कोरोना के समय पे बहुत ज़्यादा लोग खून देने के लिए नहीं आते थे, क्योंकि बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस थे, पर अभी उन लोगों का एकत्रित करना, उनके ज़रूरतमंद है उनको ब्लड देना, एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, बहुत बड़ा काम है। और युवा मोर्चा ने आज अटल जी के जन्म दिवस पे ये काम हाथ में लिया है। मुझे विश्वास है कि आज जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, उसका बहुत अच्छा लाभ उपयोग यहाँ की जनता के लिए हो जाएगा, और एक तरह से सेवा करके हम जो आज ये दिन मना रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा के विशाल पटेल और उनकी पूरी सिलवासा की यहाँ की जो टीम है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा नेक काम यहाँ पे आज किया है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। मैडम, ग्रामीण विस्तार में किस तरह का रुझान देखने को मिलेगा? तमाम जगहों पर जिस तरह से हाल ही में चुनाव पार हुए हैं, और आपकी किसान की तरफ से जो टीमें रही, वो भी आपका एक कार्यक्रम रहा, लेकिन मेन गांव खेडूत विस्तार में जिस तरह से जब अब जाएंगे मांदोनी सिंदोनी विस्तार में, उस तरफ की भी कोई कार्यक्रम आप लोगों ने द्वारा सेट किया जा रहा है क्या? जरूर, आज हमारे अनेक अनेक किसान सम्मेलन पूरे देश भर में हो रहे हैं, वैसे ही हमारे इस प्रदेश में भी हो रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छे 3 कृषि विधेयक लाए हैं जो किसानों के हित में है, और आज उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। देश भर के सभी किसानों के साथ हम सम्मेलन करेंगे, और सबसे अच्छी बात है कि आज किसान सम्मान योजना जो है, निधि जो है, वो आज से फिर से वो वितरित किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी भी उसके लिए बात करने वाले हैं, तो हमारे ये सभी किसान भाई आज उनकी बात भी सुनेंगे। मुझे विश्वास है कि देश का हर एक किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, जो निर्णय उन्होंने किए उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय राहटकर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपना जिस तरह से एक अलग परचम, एक अलग दौर की तरफ से ले रही है इन चीज़ों को, और दादरा नगर हवेली दमन दीव में लगातार अपने कदमों को बढ़ा रही है। उसी के बाद जब हम पहुंचते हैं दादरा नगर हवेली का या ब्लड डोनेशन कैंप, जहाँ पर यहाँ पर डॉक्टर जी मौजूद हैं, जो बताएंगे कि किस तरह से आज यहाँ पर जो कार्यक्रम है, जो रक्तदाता है, वो किस तरह से यहाँ पर उनको योगदान देता है। बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रक्तदाता जो यहाँ पर आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो सिलवासा
भारतीय युवा मोर्चा संघ ने जो दादरा नगर वाली ब्रांच ने जो कैंप आयोजित किया है, तो सुबह से बहुत सारे युवा उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और साथ में मैडम जी भी आए थे और उन्होंने भी अपने ये युवा मोर्चा की सराहना की और उसमें महिला भी आए, उन्होंने भी योगदान दिया और कैंप को सफल बनाने के लिए हार्दिक भाई, योगेश, अपू भाई, ये सब, जीतू भाई, ये सब लोगों ने बहुत जहमत की और कैंप को अच्छी तरह से, अभी भी बहुत सारे युवा उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर यहाँ के जो थे। अब हमारे साथ यहाँ पे सिलवासा अध्यक्ष जो है हार्दिक पुजारी जी, जो BJYM के अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक भाई। किस तरह से जो तमाम जगहों पर आप लोगों ने हमेशा अपना कदम बढ़ाया, तमाम जगहों पर जो पब्लिक सेवा की जो भावना है वो लगातार आपने कहना चाहिए देखने को मिलती है, किस तरह से आपकी टीम की योगदान है और क्या ये पूरे कार्यक्रम है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर की कमेटी की ओर से जो हमने आज का ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, उसकी सही मायने में प्रेरणा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो स्तंभ हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनकी हर एक रिफॉर्म्स एक्टिविटीज़ जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान भी उन्होंने ही अपने कार्यकाल में लाया था, और साथ ही में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको प्रमोट करने का काम भी अटल जी ने ही किया था, तो हमें बहुत ही उनसे प्रेरणा मिलती है। और साथ ही में हमारे संगठन मंत्री भी आज पधारे हैं, हमारे युवा दल को उनसे भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। और जो कोरोना जैसी महामारी है उनके उस महामारी के दौर पे इस तरह का जो हमने एक इवेंट करने का एक निर्णय लिया और हमारी कमेटी के साथ डिस्कशन किया, तो हमने उन्होंने तुरंत ही कहा कि हम सब तैयार हैं हार्दिक भाई, और हम आज अटल जी के जो जन्म जयंती का महोत्सव है उसमें ब्लड डोनेशन कैंप का हमने बढ़ चढ़ के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, तो हमें आपके चैनल के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी रिटू भाई, किस तरह से तमाम जगहों पर लगातार जो आपकी पूरी टीम, सिलवासा की पूरी जो टीम है वो हमेशा कार्य करती रही है, कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में आप लोगों का फेस एक ऐसा फेस बन चुका है जो लगातार लोगों के बीच जाती है और उनके प्रति जो भी उनका कार्य होता है उसे आप कराते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे अध्यक्ष हार्दिक भाई का फोन आया, हम मीटिंग ली, अटल जी का आज जो जन्मदिन है उसके दिन अपने कोरोना काल में सभी को तकलीफ बहुत हो रही थी उसके चलते अब ब्लड डोनेट करते हैं, तो सबको ब्लड युवाओं को बोला तो सब लोगों ने फुल सपोर्ट किया और सब बढ़ चढ़ के आज आए हैं यहाँ पे और पूरे दिन दोपहर तक आएंगे, तो सबको रक्तदान करेंगे और कोरोना काल में सबको मदद करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे तमाम युवा जिन्होंने बताया कि किस तरह से रक्तदान शिविर का जो आयोजन है वो किस तरह से अचानक हुआ और तमाम जो लोग हैं उन सब ने सिर्फ एक ही भावना रखी है कि किस तरह से हम समाज को मदद कर सकेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ हिम्मत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइव, सिलवासा। क्या हुआ, मदद मिला आपको? आज सर मुझे 2 बोतल की मतलब रक्त की जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ आई, जो युवा कार्यकर्ता है वो हार्दिक भाई है और दूसरे सब उनके साथी हैं, उन्होंने बोला कि आप मैडम चिंता मत करो आपको ब्लड मिल जाएगा, तो उन्होंने मेरा इस तरह से हेल्प किया और आज वो बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा पूरा मतलब ये जो टीम है हमारे पूरे कार्यकर्ता है वो सब आपकी हेल्प करेंगे और आपको 2 बोतल ब्लड मिल जाएगा। हार्दिक भाई और उसके सभी कार्यकर्ता मतलब सभी को मेरी शुभकामनाएँ और सभी सभी को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद।